चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों से खासतौर पर विंध्य में विक्रय हो रहे मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि विंध्य नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की जा रही है और इस पर लगाम भी लगेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, आखिरकार विंध्य में ये जो नशे का कारोबार है, ये सिंडिकेट क्यों खत्म नहीं हो रहा है? जो बात आपने कही है नशे वाली, हम उसको भी जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। उसके लिए मेडिकल का नशा कोरेक्स जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विकास का फल जो आने वाले दिनों में हमारे आने वाली पीढ़ी उसका भरपूर लाभ उठा सकती है, वो उससे वंचित रहे, और इसलिए नशे में न फंसने पाए इसके लिए कोरेक्स को सप्लाई कहाँ से आती है, पुलिस के अधिकारियों की बड़ी बैठक लेके हमने उनसे कहा है कि जड़ पर प्रहार करिए। पुलिस के लोगों ने मुझे बताया कि NDPS एक्ट के तहत यदि 1 kg से ज़्यादा कोरेक्स अवैध रूप से कहीं पकड़ा जाता है तो NDPS एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं और 6-6 महीने 1-1 साल उनकी जमानत नहीं होती है। लेकिन वहीं यूपी में जो लगे हुए सीमावर्ती जिले हैं वहां पर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जो थाने में जमानत हो जाती है। जब इस गंभीर मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिला और मैंने उनसे कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से एडवाइजरी जारी हो, जिससे कि पुलिस के लोग NDPS एक्ट के तहत ऐसे अवैध भंडारण करने वाले और सप्लाई करने वाले लोगों को गिरफ्त में ले सकें। और मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मिला, आदरणीय अमित शाह जी से भी, और उनको भी मैंने वो कागज़ दिया था कि यदि देशव्यापी इस प्रकार से होगा तो सिर्फ विंध्य ही नहीं, मेरी जानकारी में आया है कि इस प्रकार से मेडिकल नशा के आदि हमारे नई पीढ़ी कई जगह हो रही है, और इसलिए इस अंकुश लगाने के लिए इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने आग्रह किया। कुछ परिजनों ने मुलाकात की, युवाओं ने मुलाकात की, और ये नशे के जो सौदागर हैं वो किस तरीके से गिरफ्त में ले लेते हैं इनको? देखिए, बीच में शराब के भी ऐसे ठेकेदार आ गए जो पैकारी करके और शराब घर घर में डिस्ट्रीब्यूट कराने का धंधा शुरू कर दिया, तो एक तो शराब अवैध रूप से घर घर में होम डिलीवरी होने लगी। ऐसे लोग ने इस नशे के धंधे को बढ़ावा दिया, जिस पर अंकुश लगाने की काम अब हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे एक व्यापक रूप से समग्र कार्रवाई करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को मैंने सक्रिय किया है, और मुझे पूरा उम्मीद है, बहुत तेजी से लोग पकड़े भी जा रहे हैं, धरपकड़ चालू है, तो इसको जड़ से समाप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल थे और कहा है कि विंध्य में जो नशे का कारोबार है उस पर प्रहार जारी है। कैमरामैन राजा दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।